हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 10.1 और पेज नंबर है 10.7। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहां पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। क्वेश्चन के अंदर जो वर्ड यूज किया गया है कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ये होता है जब आपके दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो हम उन एंगल्स को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। लेट से जो एक्स है उसका वैल्यू है 50 डिग्री, ठीक है। जो एक्स आपका एंगल है उसका वैल्यू है 50 डिग्री, ठीक है, ये वाला, और ये है आपका 40 डिग्री। तो ऑब्वियसली 50 प्लस 40 विल गिव यू 90 डिग्री, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो 50 डिग्री है और 40 डिग्री है, ये आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, बिकॉज देयर सम इज 90 डिग्री। तो चलिए वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर, बात करते हैं पार्ट वन की। यहां पर आपको गिवन है 20 डिग्री एंगल, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपसे पूछा गया है। यानी कि आपको एक एंगल तो गिवन है 20 डिग्री और आपसे दूसरा पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया था दो एंगल्स का सम जब आपका 90 डिग्री एंगल हो, और इसमें से आपको एक एंगल तो गिवन है 20 डिग्री, तो दूसरा क्या होगा, ऑब्वियसली 90 में से माइनस कर दोगे तो दूसरा आपके पास आ जाएगा। जैसे यहां पर मान लो कि x का वैल्यू आपको 20 डिग्री गिवन है, तो दूसरा क्या होगा, क्योंकि दोनों का सम आपका 90 डिग्री है, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आपका 70 आ जाएगा। बहुत आसान है, आपको क्या करना है, 90 डिग्री में से 20 डिग्री माइनस कर देना है, तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपके पास आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 70 डिग्री। ओके, सो दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा इस पार्ट का। इसी तरीके से हर क्वेश्चन में क्या करोगे, 35 का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है, यानी कि 35 यहां पर गिवन है x और y आपको निकालना है, तो क्या करेंगे, 90 माइनस 35, ठीक है, डिग्री आप यहां पर यूज करोगे और यहां पर आ जाएगा आपका आंसर 55 डिग्री। इसी तरीके से 90 आपको गिवन है और इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा आपका आंसर 0 डिग्री। और इसके बाद आप क्या करेंगे, 90 डिग्री माइनस 77 डिग्री, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 13 डिग्री। इसी तरीके से 90 माइनस 30 डिग्री, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। तो आपने देखा कितना आसान है, बहुत सिंपल है, एक एंगल आपको गिवन है, दूसरा जस्ट आपको निकालना है, तो जब भी कॉम्प्लीमेंट की बात हो तो 90 में से आपको माइनस कर देना है और आपका दूसरा एंगल आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू में पूछा गया है, राइट द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो यहां पर बात की गई है सप्लीमेंट की। तो जैसे हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट कि दो एंगल्स का सम आपका 90 डिग्री एंगल होता है, उसी तरीके से सप्लीमेंट वाले केस में दो एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो आपको ध्यान रखना है कॉम्प्लीमेंट जब आपके दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा और सप्लीमेंट जब आपके दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर जो फिगर है, x प्लस वाई शुड बी 180 डिग्री, ठीक है, तो x का जो वैल्यू होगा, मान लो कि 90 डिग्री x का वैल्यू है और y का वैल्यू भी 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली x प्लस वाई आपका 180 डिग्री ही होगा। तो यहां पर फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है 54 डिग्री का आपको सप्लीमेंट बताना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप मान लो कि ये आपका स्ट्रेट लाइन है और यहां पर ये जो एंगल है ये आपका 54 डिग्री है, तो ये जो दूसरा होगा आपका एंगल ये कितना होगा, ये अगर आपका स्ट्रेट लाइन है तो ये आपका 180 डिग्री होगा, ठीक है, जो टोटल एंगल होगा 180 डिग्री होगा। तो मान लो कि ये x है और ये y है, तो x प्लस वाई आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और x का वैल्यू आपका कितना है, 54 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, ठीक है, तो आपका यहां पर आंसर होगा 126 डिग्री, ठीक है, जो दूसरा एंगल होगा उसका वैल्यू होगा 126 डिग्री।
तो आपको हमेशा क्या करना है, जब भी आपसे सप्लीमेंट पूछा जाए किसी एक एंगल का, तो आपको 180 में से माइनस कर देना है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहां पर भी आपको अगर इसका निकालना है 132 का सप्लीमेंट निकालना है, तो 180 डिग्री माइनस 132 डिग्री, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 48 डिग्री। इसी तरीके से 180 डिग्री माइनस 138 डिग्री, तो यहां पर आपका आंसर कितना होगा, 42 डिग्री। ये मैंने आपको डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन कर दिया है जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना हो, और ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो आई होप आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। इफ एन एंगल इज 28 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड इट्स मेजर। तो जब भी आपके सामने इस तरह का कोई क्वेश्चन गिवन होगा लैंग्वेज की फॉर्म में, तो आपको उसको सिंप्लीफाई करना है इक्वेशन में, ठीक है। आपको इसकी इक्वेशन को निकालना है इस क्वेश्चन में से, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे आपके पास यहां पर गिवन है इफ एन एंगल इज 28 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये जो एंगल है इसका वैल्यू आपको गिवन नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू को लेट दिस एंगल मान लेते हैं हम x डिग्री, ठीक है। इस एंगल को हमने मान लिया x डिग्री, इस 28 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो इस एंगल का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस x डिग्री, ठीक है। अभी हमने देखा था पहले कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उस एंगल को 90 में से आप माइनस कर दोगे तो आपके पास दूसरा एंगल आ जाता है, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट आपके पास आ चुका है, ओके, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट पार्ट। तो जब भी आपसे इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा हो, तो सिंपली आपको सबसे पहले क्या करना है, एक इक्वल टू का साइन आपको लिखना है, और फिर उस इक्वेशन को फॉर्म करना है, ठीक है, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, जो लैंग्वेज है उसको आपको यहां पर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखोगे, इफ एन एंगल इज, ठीक है, तो उस एंगल को आप एज इट इज लिख लोगे, ध्यान से समझना मेरी बात, एक्स डिग्री इज, ठीक है। इसके बाद जो होगा आपका इक्वल का सिंबल स्टार्ट हो जाएगा, इज 28 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये आपका पूरा स्टेटमेंट है। पहले आपका ये एंगल होगा, इफ एन एंगल इज, दिस एंगल इज 28 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कि अपने कॉम्प्लीमेंट से 28 डिग्री आपका लेस है, तो यानी कि 90 माइनस एक्स डिग्री, ओके, माइनस 28 डिग्री। तो ये आपकी इक्वेशन है और ये आपकी स्टेटमेंट है ऊपर, उससे हमने यहां पर इक्वेशन फॉर्म कर ली है। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे, x डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 28 माइनस एक्स, तो इस x को आप यहां पर ले आओगे तो ये हो जाएगा आपका 2x, और यहां पर हो जाएगा आपका 62, और x का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 31 डिग्री, ठीक है। क्या कोई इसमें प्रॉब्लम थी, आपने देखा किस तरीके से इस लैंग्वेज को आपको सिंपली यहां पर डिकोड करना है, सो दैट कि आपकी एक इक्वेशन फॉर्म की जा सके और इसको आप इजीली सॉल्व कर लोगे, वैल्यू आपके पास आ जाएगी। फाइंड इट्स मेजर, तो हम निकाल चुके हैं जो x का वैल्यू है वो आपके पास आ चुका है। तो जैसे यहां पर बोला गया था लेस, अगर लेस बोला गया है तो आपने माइनस कर दिया, और यहां पर होता अगर मोर होता तो आप क्या करते, एड का सिंबल आप यूज कर लेते, प्लस का सिंबल आप यूज कर लेते, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, कहां पर लेस बोला गया है, कहां पर मोर बोला गया है। हो सकता है आपसे बोला जाए 2 times 3 times, तो उस केस में आपको मल्टीप्लाई करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है। इफ एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। तो देखिए ये वही वाला केस है, आपके पास लैंग्वेज गिवन है, ठीक है, स्टेटमेंट गिवन है, इसमें से आपको क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आप इक्वेशन को फॉर्म करोगे। अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे, पहले हमने थोड़ा टाइम लिया था सो दैट कि आप अच्छे से समझ सको। तो आई होप कि आपको वो क्वेश्चन समझ में आ चुका है। जैसे यहां पर आपसे बोला गया है इफ एन एंगल, ठीक है, तो जैसे ही आपसे बोला जाए इफ एन एंगल इज, ठीक है, तो इज बोला गया है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इक्वल टू का
यहां पर सिंबल लिख लेना है। एंगल बोला गया है, मान लो वो आपका एंगल है लेट दिस एंगल इज एक्स डिग्री। आपने मान लिया वो एंगल आपका एक्स है क्योंकि यहां पर आपको कोई भी एंगल नहीं गिवन है, तो आप क्या करोगे एक्स डिग्री ठीक है इज 30 डिग्री मोर। लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको लेस गिवन था, यहां पर मोर गिवन है, तो 30 डिग्री मोर देन वन हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो एंगल है इसका कॉम्प्लीमेंट ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 90 माइनस एक्स डिग्री ठीक है, यही होगा आपका कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर आपको क्या करना है 30 डिग्री मोर, तो क्या करेंगे आप 30 डिग्री मोर, जैसे ही मोर बोला तो इसका मतलब है प्लस करना है आपको ठीक है, तो हमने यहां पर प्लस कर लिया मोर देन वन हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी वन हाफ प्लस हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट यानी कि इनटू कॉम्प्लीमेंट, यही तो बोला गया है। आप देखिए, आप दोबारा से इस स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए, इफ एन एंगल इज 30 डिग्री, आपका ये जो एंगल है इज 30 डिग्री मोर देन यानी प्लस वन हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, वन हाफ यानी कि 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इनटू आएगा, जब भी आपसे बोला जाए वन हाफ ऑफ इट्स यानी कि मल्टीप्लाई आपको करना है ऑफ कॉम्प्लीमेंट इनटू कॉम्प्लीमेंट, ये आपका इक्वेशन फॉर्म हो चुका है। तो कॉम्प्लीमेंट की जगह आप क्या लिख दोगे 30 डिग्री प्लस 1/2 इनटू 90 माइनस एक्स। तो आप इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, आई होप ये इक्वेशन आपको समझ में आ चुकी है, और आपने देखा किस तरीके से हम आसानी से इस इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं ठीक है, ये जो लैंग्वेज आपको गिवन है इसके थ्रू हम इसको डिकोड कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 30 डिग्री प्लस 1/2 ठीक है ये 90 आपका माइनस एक्स बाई टू ओके, ये आपका 45 हो जाएगा, 45 प्लस 30 ये हो जाएगा आपका 75 माइनस एक्स बाई टू, और ये आपका एक्स डिग्री यहां पर चलता रहेगा। फर्दर यहां पर हम सॉल्व कर लेते हैं, एक्स डिग्री आपका यहां पर आ जाएगा 50 डिग्री ठीक है, तो फाइनल आंसर जो होगा आपका वो कितना होगा 50 डिग्री सॉल्यूशन आपका आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, आपका 50 डिग्री ही आंसर आने वाला है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5 फाइंड द एंगल्स। तो यहां पर आपको जो एंगल्स गिवन है वो आपको रेशियो की फॉर्म में गिवन है, लेकिन अच्छी बात क्या है यहां पर बोला गया है टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी दोनों एंगल्स कैसे हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, फाइंड द एंगल्स, तो इन एंगल्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है डिग्री में ठीक है। तो आप इसको किस तरीके से आप लिख सकते हो, आप जानते हो कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं आपके, जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा तभी हम उनको क्या बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। तो जैसे आपका यहां पर गिवन है रेशो की फॉर्म में, तो आप क्या कर लोगे कॉमन रेशो आपका हो जाएगा ठीक है, आप उसको एक्स मान लीजिए ठीक है, 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री ठीक है, यही तो होगा, हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, जो आपसे बोला गया है ऊपर उसी को हमने बस सिंप्लीफाई कर लिया है, इस लॉजिक को हमने अप्लाई कर दिया है जो सप्लीमेंट्री एंगल्स का होता है ना। तो ये हो जाएगा आपका 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x का वैल्यू आपके पास हो जाएगा यहां पर 20 डिग्री ठीक है। तो ये आपका x का वैल्यू आ चुका है जो आपका कॉमन रेशियो था। अब मान लो कि ये पहला वाला आपका एंगल था, पहला वाला, और ये आपका दूसरा था ठीक है, तो 4x फर्स्ट एंगल आपका फर्स्ट एंगल निकालना होगा, तो क्या करेंगे 4 × 20 ये हो जाएगा आपका 80 डिग्री, और सेकेंड एंगल आपका हो जाएगा 5x, इसका मतलब है 5 × 20 और ये हो जाएगा आपका 100। आप देख लीजिए दोनों का सम आपका 180 ही आना चाहिए, यहां से भी आप इसको चेक कर सकते हैं ठीक है, दो एंगल्स जो आने वाले हैं डिग्री में उनका सम ठीक है, अभी भी ये डिग्री में ही है, हम यहां पर मान के चल रहे हैं कि 4x आपका डिग्री है और 5x आपका डिग्री है ठीक है,
तो इन दोनों का सम आपका 180 डिग्री ही आना चाहिए, ठीक है। ये आपका प्रूव हो चुका है। आपसे यहाँ पूछा गया था कि फाइंड द एंगल्स, तो आपके दो एंगल्स कौन कौन से होंगे, एक होगा 80 डिग्री ये वाला और एक 100 डिग्री, ठीक है। ये आपके दोनों एंगल्स हो चुके हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एन एंगल इज इक्वल टू 8 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, डिटरमाइन इट्स मेजर। तो वंस अगेन आपको सबसे पहले अच्छे से रीड करना है जो स्टेटमेंट है वो क्या कहना चाहती है, ठीक है। आपको पहले समझना है इस बात को। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आप सॉल्व करोगे। एन एंगल इज इक्वल टू, इक्वल टू आपके पास ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। जैसे हमने देखा था लास्ट क्वेश्चंस में इज मेंशन होता था तो हम क्या लिखते थे, इक्वल टू। लेकिन यहां पर इक्वल टू क्लियर मेंशन है, तो आप सबसे पहले इक्वल लिख लोगे, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको इक्वल लिख लेना है। इक्वल आपको दिख चुका है, अब इससे क्या होगा, आपका काम बहुत आसान हो चुका है। इक्वल टू एन एंगल, एंगल आपको गिवन नहीं है, तो आप मान लो, लेट कर लो, लेट दिस एंगल इज एक्स। जो स्टेटमेंट है आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। हो सकता है कुछ स्टेप्स मैं यहां पर नहीं लिखवा रहा हूं, सो दैट कि जो वीडियो है बहुत ज्यादा लंबी ना हो, और यहां पर मैं मान के चल रहा हूं कि आपने जो बेसिक है एनसीईआरटी का वो थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, इसलिए जो है मैं यहां पर डायरेक्टली आपको सॉल्व करवा देता हूं। इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड भी थोड़ा सा अच्छी हो जाएगी, ठीक है, फास्ट हो जाएगी, जो आने वाले एग्जाम्स होंगे उनमें आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। तो आपने क्या किया, यहां पर इक्वल टू आपने लिख लिया, इसके बाद इस एंगल को आप लिख लोगे, दिस एंगल एन एंगल इज इक्वल टू 8 टाइम्स, ठीक है। जैसे टाइम्स आ जाए यानी कि मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई 8 टाइम्स यानी 8 इंटू इट्स कॉम्प्लीमेंट, किसका कॉम्प्लीमेंट, इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट। हमेशा याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट होगा या फिर सप्लीमेंट होगा तो इसी एंगल का होगा, ओके। तो क्या होगा, एक्स आपने माना था तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स, ओके, 90 माइनस एक्स डिग्री। तो आप क्या करोगे, अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, 720 डिग्री माइनस 8x एंड दिस इज x, और इसको आप यहां पर ले आओगे तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 720 डिग्री। तो यहां पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 80 डिग्री, और यही आपसे पूछा है, डिटरमाइन इट्स मेजर, तो 80 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे बोला गया होता डिटरमाइन एंगल्स, ठीक है, तो आप दोनों एंगल्स को निकालते, एक आपका आ चुका है 80 डिग्री और दूसरा कौन सा होता, 90 माइनस 80, तो आपके पास आ जाता 10 डिग्री, ठीक है, और 10 प्लस 80 आपका हो जाता 90 डिग्री, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट पूछा गया है ना, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपने देखा कितना आसान हो चुका है आपके लिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए सॉल्व करने की, और देखते हैं आप सॉल्व कर पाते हैं या फिर नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला गया है, इफ द एंगल्स 2x-10 डिग्री एंड x-5 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, फाइंड एक्स। यानी कि बहुत सिंपल है, आपसे एक्स का वैल्यू पूछा गया है, और यहां पर आपको साफ साफ हिंट दी है कि दोनों कैसे एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो ये आपका एक एंगल हो चुका है, ये दूसरा एंगल है, तो दोनों को आप ऐड कर दोगे, ठीक है, 2x-10 प्लस x-5, ठीक है, ये आपका एक एंगल है, ये आपका दूसरा है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो यानी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। यहां से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इसका वैल्यू आप निकाल के जल्दी से बताइए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि x का वैल्यू कितना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इफ एन एंगल डिफर्स फ्रॉम इट्स कॉम्प्लीमेंट बाय 10 डिग्री फाइंड द एंगल। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिकोड करते हैं, इस लैंग्वेज को हम डिकोड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। कैसे आप लिखोगे स्टेटमेंट को डिकोड करते हैं, इफ एन एंगल डिफर्स फ्रॉम इट्स कॉम्प्लीमेंट। जैसे यहां पर एक शब्द यूज किया गया है डिफर्स, इसका मतलब है माइनस यानी सब्ट्रैक्शन। इफ एन एंगल, एंगल का वैल्यू आपको गिवन नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, लेट कर लेना है,
लेट दिस एंगल इज एक्स डिग्री. डिफर्स, डिफर्स यानी माइनस फ्रॉम इट्स कॉम्प्लीमेंट, अपने ही एंगल से कॉम्प्लीमेंट करता है, यानी कि अगर हमने इसको एक्स माना तो कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एक्स. यहां पर एक वर्ड और गिवन है बाई, इसका क्या मतलब होता है इज इक्वल टू. ठीक है, जैसे हमने इसके लिए यूज किया था ऐसे ही यहां पर बाई के लिए यूज करेंगे. ठीक है, तो अब दोबारा से एक बार इस स्टेटमेंट को आप पढ़ लो. इफ एन एंगल, दिस एंगल एक्स डिग्री डिफर्स माइनस फ्रॉम इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कि कॉम्प्लीमेंट आप यहां पर लिख दोगे 90 डिग्री माइनस एक्स कॉम्प्लीमेंट बाई 10 डिग्री इज इक्वल टू 10 डिग्री. अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2x और ये हो जाएगा आपके पास 100. ओके, और x का वैल्यू आ जाएगा आपका 50 डिग्री. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो. तो सिंपली आपको करना क्या है बच्चों, जो वर्ड्स हैं उनको आपको पहचानना है. ठीक है, वो क्या कहना चाहता है, डिफर है, मोर है, ठीक है, इज है, कॉम्प्लीमेंट है, सप्लीमेंट है, तो ये क्या है, कीवर्ड्स हैं. इन कीवर्ड्स को आपको पहचानना है कि वो क्या कहना चाहता है, सो दैट कि आपको आसानी हो जाए उस स्टेटमेंट को डिकोड करने में. क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है, इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 2/3 ऑफ इटसेल्फ डिटरमाइन द एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट. तो बार बार यहां पर सप्लीमेंट जो वर्ड है यूज किया गया है, इसका मतलब है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो चलिए इसको हम डिकोड करते हैं. इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, ठीक है, सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, तो यहां पर डायरेक्टली आपको एंगल का जो वैल्यू है कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, तो आपको वंस अगेन लेट करना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा. ठीक है, तो चलिए उस एंगल को हम मान लेते हैं, लेट दिस एंगल इज एक्स डिग्री. इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, ठीक है, सप्लीमेंट, अब इसका जो सप्लीमेंट होगा वो कितना होगा 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री. ठीक है, तो इसके सप्लीमेंट को सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहां पर. ठीक है, इक्वेशन की फॉर्म में 180 डिग्री माइनस एक्स. ओके, दिस इज 2/3 ऑफ इटसेल्फ, इसका मतलब क्या है, इज इक्वल टू, इज 2/3 ऑफ इटसेल्फ, यानी कि x, ठीक है, ऑफ इटसेल्फ, यहां पर सप्लीमेंट गिवन है, इस बार उल्टा है, x पहले यहां होता था और सप्लीमेंट यहां होता था, लेकिन इस बार इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, सप्लीमेंट पहले दिया हुआ है एंड द एंगल इज 2/3 ऑफ इटसेल्फ, एंगल आपको बाद में दिया हुआ है इटसेल्फ. ठीक है, इटसेल्फ का मतलब क्या है, यानी कि वो एंगल खुद जिसका सप्लीमेंट यहां पर आपसे बोला गया है. ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, 2/3 ऑफ इटसेल्फ, ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई ऑफ इटसेल्फ यानी x डिग्री. ठीक है, इसको आप यहां पर सॉल्व कर लोगे 540. ओके, तो यहां पर आपका ये सॉल्व होके आ जाएगा 5x. ओके, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लोगे, ये आपका 3x हो जाएगा और फिर यहां पर आके 5x हो जाएगा. तो x का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 108 डिग्री. तो जो x का वैल्यू है वो कितना है, 108 डिग्री. ठीक है, डिटरमाइन द एंगल, यानी एंगल का वैल्यू तो आपका आ चुका है, अब क्या पूछा गया है, एंड इट्स सप्लीमेंट. तो सप्लीमेंट के लिए आप क्या करोगे, 108, ठीक है, इसको माइनस कर दोगे 180 में से, 180 में से आप माइनस कर दोगे 108, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 72 डिग्री. तो ये आपका सप्लीमेंट हो जाएगा. ठीक है, तो ये दो आपके आंसर हो जाएंगे, 108 डिग्री एंड 72 डिग्री. तो चलिए बच्चों, जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो हम इसके पार्ट टू में सॉल्व करेंगे. इस वीडियो को मैं अभी यहीं पे छोड़ता हूं, सो दैट कि ये वीडियो आपकी बहुत ज्यादा लंबी ना हो और बोरिंग ना हो जाए, तो इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूं. एंड यस, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, थोड़ा बहुत भी अगर कुछ सीखने को मिला है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.